कि मोदी जी कहते हैं कि कभी कभी आपको अच्छे दिन आएंगे, जब से हमने जैक्सन का मशीन परचेस किया है ना तब से हमारा अच्छे दिन आ गए हैं। हेलो दोस्तों, आज हम विनय जी के साथ जो हर रोज 2 से 3 हज़ार समोसे बनाते हैं, ये जो आप विनय जी बना रहे इतने सारे समोसा किस तरह से बनाते हैं और कौन सी कंपनी की मशीन से बनाते हैं, वो पूरा जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों पहले जब आप हाथ से बनाते थे तब कितना बना लेते थे समोसा? पहले हम 200 से 300 समोसा बनाते थे, जब से हमने जैक्सन का मशीन परचेस किया है तब से हम 2000 से 3000 पर डे बनाते हैं। हम आपको पूरी प्रोसेस बताते हैं हम किस तरह से समोसा बनाते हैं। वो ये हमारा 20 किलो का मैदा गूंथने का मशीन है, इसमें हम मैदा पानी और तेल डालते हैं, 5 मिनट में आटा मिक्स हो जाता है। ये मशीन के अंदर आप कितने किलो मैदा गूंथते हैं? ऐसे तो आसान से 25 किलो गूंथ सकते हो, लेकिन हम 20 किलो ही गूंथते हैं, 25 किलो तक आ जाता है मैदा। अब आपको हम जो मेन मशीन है समोसा पट्टी का, वो ऑटोमेटिक समोसा पट्टी का मशीन दिखाता हूँ। यहाँ से सिर्फ गूंथा हुआ मैदा डालेंगे तो समोसा पट्टी कंप्लीट होके बाहर निकलेगी। अब आपको मैं पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ किसी तरह से समोसा पट्टी रेडी होती है। गूंथा हुआ मैदा का आटा डाल दिया हमने मशीन में, अभी ऑटोमेटिकली हम बेल के पट्टी निकलेगी और जो पट्टी का फिनिशिंग है वो बढ़िया है फिनिशिंग, और जो कटिंग होगा ऑटोमेटिकली हमारा बेल से वो डायरेक्टली ट्रे में इकट्ठा हो जाता है और हम डायरेक्टली वो डाल सकते हैं। और देखो हमारी जो कितनी बढ़िया पट्टी मस्त निकल रही है और फिनिशिंग भी कितना बढ़िया है। ये मशीन 1 घंटे में हमको 2 से 3 हज़ार पट्टी बना के दे देता है। ये मशीन में सबसे बड़ी बात ये है कि लाइट बिल बहुत कम आता है, क्योंकि यहाँ पे है ना पावर सेविंग मोटर लगी हुई है, मशीन चलता है वो साइलेंटली मशीन है। ऐसा नहीं है कि दो लोगों की जरूरत ही पड़ेगी, अकेला बंदा भी चला सकते है। इसमें स्पीड कंट्रोल की ये दिया है फंक्शनलिटी, इसकी वजह से हम जो स्पीड कम करके भी पट्टी अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। अभी के टाइम पे कितना समोसा पट्टी इस मशीन से निकाल रहे हैं आप? जो ऐसे है तो हम क्या है कि ये ऑर्डर की तरह से ये रहता है कि जो हमारा ऑर्डर बढ़ता रहता है तो हम 3000 पट्टियां निकाल लेते हैं, लेकिन हर रोज मेरा 2000 पट्टियां तो निकालना रहता ही है। ये पट्टी बेल के कंप्लीट होके आ गई है, उसका फिनिशिंग आप देख लो। हम जो हाथ से बनाते थे तब बड़ी और छोटी हो जाती थी, इसकी वजह से समोसा भी बड़े और छोटे हो जाते थे। ये पट्टी की वजह से समोसा भी एक साइज का हो जाएगा और हमारा पट्टी भी का फिनिशिंग भी एक साइज का ही रहेगा। ये पूरे का पूरा सिंगल फेज मशीन है, हम घर में मेंटेनेंस भी नहीं है। ये मशीन हमने जब नहीं परचेस किया था तब हम सुबह में 4 बजे उठ के वो समोसा पट्टी बनाने के लिए सब कुछ काम करने के लिए तैयार हो जाते थे। कभी कभी ऐसा भी होता है कारीगर आता नहीं है और जो हमारा ऑर्डर है तो पेंडिंग ऑर्डर हम क्लियर नहीं कर सकते है, तो मशीन है तो अच्छी तरह से हम जो कारीगर नहीं आता है तो मशीन तो रुकने वाला नहीं है, तो हम आराम से हमारा काम कर सकते है। अब मैं आपको जो समोसा के अंदर जो मसाला आता है वो कैसी तरह से हम बनाते हैं और कैसी तरह से वो भरना है वो हमारा जो कारीगर है वो आपको दिखाएगा। सबसे पहले जो आलू के ऊपर वो छिलका होती है वो छिलका निकाल लेने का है। इसमें सब धनिया पाउडर, हरी मिर्च और सब गरम मसाला मिक्स किया है। अभी आप वो गूंथ के आप दिखाएगा कि कैसी तरह से वो मिक्स करता है। धनिया पाउडर, हरी मिर्च और गरम मसाला और भी मसाला मिक्स करके हमने जो हमारा मसाला है वो रेडी कर दिया। भरने में बहुत टाइम नहीं लगता है क्योंकि वो जो हमारा एक आदमी आराम से समोसा पट्टी भर सकता है, क्योंकि जो मेन काम है वो मशीन का ही है, क्योंकि बेलने में बहुत टाइम जाता है और साइज़ भी एक सेम हो नहीं सकती है, इसलिए जो भरने में भी दिक्कत आती है, लंबे छोटे हो जाते हैं समोसे, तो इसलिए जो हमारा मशीन है पूरे का पूरा बेल के खत्म काम कर देगा। हमारा स्पीड बहुत अच्छा है, 1 घंटे में हम 200 से 300 समोसा आराम से भर लेते हैं। अभी जो हमने देख लिया कि हमारा समोसा कंप्लीट भर के कंप्लीट हो गया है ट्रे में, ये आपको अभी दिखाता हूँ कि हम फ्राई कैसे उसको समोसा को करते हैं। देखो अभी हमने ये समोसा कढ़ाई में डाल दिए हैं, थोड़े टाइम में अभी वो फ्राई हो जाएगा। आप देख सकते हो सब समोसा की साइज सेम ही है, वही एक मशीन की खासियत है कि समोसा की जो पट्टी आई है वो सब सेम साइज की निकली है, इसकी वजह से वो समोसा की साइज सेम ही है। ये हम जो फ्राई करते हो हम जो कढ़ाई से वो गैस से यूज करते हैं। अभी मैंने 4 से 5 दिन पहले ही जैक्सन मशीन से वो मशीन आने वाली इलेक्ट्रिक कढ़ाई, उसकी वजह से हम जो फ्राई भी आराम से कर सकते हैं, बुआ कम होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी आराम से हम जो गैस की और इलेक्ट्रिसिटी का जो कंपैरिजन करें तो इलेक्ट्रिसिटी हम बहुत ही सस्ती पड़ती है उसकी वजह से। जैसे जैसे त्यौहार आते हैं जैसे कि नवरात्रि चलेगी, तो नवरात्रि में हम 5-5 हज़ार समोसा पट्टी निकाल लेते हैं, क्योंकि क्या ये ऑर्डर इतना हमारा बढ़िया रहता है त्यौहार में तो आता ही है। इसमें क्या होता है कि त्यौहार आते हैं ना
तब हमारा 3000 नहीं 5000 भी नवनीत भाई चले जाते हैं, क्योंकि त्योहार के ऑर्डर ही ज्यादा होते हैं। नवरात्र में तो हमको ऑर्डर ही इतना मिलता है, हम 5000 समोसा भी करने में टाइम है, मशीन का आया है तो इजीली हम कर सकते हैं। अरे मतलब एक दिन में 5000 भी चाहिए तो आप बना सकते हैं? हाँ 5000 भी बना सकते हैं, 5000 ज्यादा भी बन जाते हैं क्योंकि नवरात्रि है तो हर दिन कब ऑर्डर मिलेगा इसमें। अच्छा नौरता दिवाली जब त्यौहार है जब ज़्यादा जाता है। हाँ इसमें आपने कितने समोसे डाले हुए सर जी? इसमें हमने 100 समोसा डाला है कढ़ाई में। सर जी आपका ये जो समोसा अभी बन चुका है ठीक है, तो अभी आप कहाँ कहाँ पे इसको सेल करते हैं? हमारा ज़्यादा समोसा तो जो समोसा वाले खड़े रहते हैं सब जगह पे जी, जी। और वहाँ जाते और बेकरी वाले ले जाते और जो स्कूल कॉलेज या होती है उसके पास जो खड़े रहते हैं उस वो भी हमारा समोसा परचेस करते हैं। यानी कि मान लो ना आप सभी जगह पे मेरा ही समोसा जाते हैं, यहाँ पे 2-3 लोग ही है। अभी हमने जो कढ़ाई से समोसा सब निकाल लिए है, अभी आप देख सकते हो 15 मिनट हो गया है, अभी हमारा समोसा कम्प्लीटली फ्राई हो चुका है और आप देख सकते हो कितना बढ़िया फिनिशिंग के साथ हमारा समोसा कम्प्लीट हुआ है और कितना मस्त समोसा लग रहा है। अभी ये हम समोसा है बेकरी वाले को, चाट वाले को और जो छोटे छोटे समोसा की लारियाँ जो खड़े करके रहते हैं उसको हम जो 50-50 के ऐसे पैकिंग करके हम देते हैं उसको हम सबको अभी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले तो हम विनोद जी को धन्यवाद कहना चाहते हैं कि सारी माहिती हमको दिया। दोस्तों आपको अगर ये बिजनेस अच्छा लगा हो और मशीन खरीदना चाहते हो या और भी जानकारी अगर चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। दोस्तों धन्यवाद।